ऐसी गुरु कृपा करेगा जी, बगैर कहे पूरा भारत किसान मजदूर वहां इकट्ठा हो जाएगा। किसानों ने ऑर्डर कर दिया भी जाना दिल्ली जाना 13 को, इन्हें दो दिन पहले इतना रोक दिया, हमारी सुनेगा कौन फिर? सामने इतनी फोर्स है, आपको डर नहीं लगता कि कोई गोला या कोई चीज आपके आगे लगना चाहे? आपने आंखों पट्टी बांधी, आपको दिखाई भी नहीं पड़ रहा होगा। किसानों का आंदोलन कल शुरू होना है और अगर अब आज बातचीत का दौर चल रहा है, अगर सफल नहीं होती तो कल किसान शंभू बॉर्डर से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करेंगे। और शंभू बॉर्डर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बुजुर्ग हैं जो यहां पर सड़क पर बैठ चुके हैं और अपनी लोई इन्होंने जमीन पर रख ली है, हाथ में सोटी है, पानी का एक छोटी सी बोतल है और आंखों पर पट्टी बांध लिया। इन्होंने आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? क्योंकि इससे कुछ देर पहले यहां मॉकड्रिल भी हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और तब भी ये यहीं पर बैठे थे और अब मॉकड्रिल हुए, एक घंटे का ज्यादा समय बीत गया और अभी भी ये बुजुर्ग यहीं पर बैठे हैं। इनसे बातचीत करते और पूछेंगे कि आखिर यहां का क्यों बैठे हैं, आप यहाँ क्यों बैठे अंकल, आप जाते क्यों नहीं, घर नहीं जा रहे हैं, यहाँ बैठने का क्या कारण है और आंख पे पट्टी क्यों बांधी? गवर्नमेंट बैठा रही है, हमने आप नहीं बैठ रहे जी, गवर्नमेंट बैठा रही है। ये जिमीदार 13 के लिए मार्च करना तो रोक लेते हैं, ये पहले इन्होंने ऐसा कर दिया, हम देख नहीं सकते इसको, ये हमारी किसी ने सुननी नहीं, हमारी मालिक गुरु सुनेगा जी हमारी, ये नहीं सुनती सरकार किसी की, ये पहले ही रोक दिया। कल 13 जाना है, आज पहले दिन इन्होंने दो दिन पहले अपना रोक दिया, इसका मतलब किसानों ने कह दिया अभी 13 दिल्ली चलेंगे, रोक दिया। अभी किसानों को कई जगह पकड़ लिया है ना, उनको आगुओं को पकड़ लिया है। अच्छा। अभी ऐसी गुरु कृपा करेगा जी, बगैर कहे पूरा भारत किसान मजदूर वहां इकट्ठा हो जाएगा। जो दृश्य यहां पर बन रहा है, पुलिस सामने है, किसान यहां पहुंचेंगे, ये सब आप अपनी आंखों से नहीं देखना चाहते इसलिए पट्टी बांध ली? ये सब कुछ बस अभी कुछ देर पहले आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और चेतावनी भी दी गई कि आप लोग यहां से चले जाएं, आप तब भी बैठे हम कि यहां चल जाएं, अपने रेट में हमें अपने रेट में छोड़ देंगे इसको, हम अपने रेट में मरना है हमने। अच्छा, आखिर तो मरना ही है, आखिरकार ऐसी सोच क्यों लेके चल रहे हैं कि मरना है आर पार की लड़ाई? मरने से और क्या, एक दिन तो मरना ही है जी, कहीं किसी काम में मर जाएंगे तो अच्छा है। तो आपको क्या लगता है कि किसानों ने ऑर्डर कर दिया भी जाना है दिल्ली जाना 13 को, इन्हें दो दिन पहले इतना रोक दिया, फिर हमारी सुनेगा कौन फिर? जी यहाँ से हरियाणा सरकार नहीं जान दे जी, भाई सुनेगा कौन? तो लगता है दिल्ली जाके हल हो जाएगा अगर आप लोग दिल्ली पहुंचते हैं? बगैर पूछे दिल्ली हल होएगा। पिछली बार भी 13 महीने आप लोग बैठे रहे थे, तब उसके बाद सरकार ने आश्वासन दिया और आप लोग घर आ गए, किसान घर आ गए। इनको ये सोचना चाहिए जब यहाँ बैठते हैं भी, इनसे पहले ये करो भी हमारी मांगे पूरी करो, लिखती देखो। हाँ। इस तरह उठना चाहिए नहीं, उठ दिया ये तो जैसे वोटा लेनी है, हम ये दे देंगे बस, है कुछ नहीं। अच्छा, तो पिछली बार सरकार की और किसानों के बीच में जो सहमति बनी थी, आपको लगता है कि वो जल्दबाजी कर गए किसान नेता और घर आ गए, वहाँ पे मांगे मनवा के कानून बनवा के वापस लालच में आ गए जी? लालच में वोट पैनी थी, लालच में आ गए। कौन लालच में आ गए, कौन लोग थे किसान नेता, कौन लालच, किसने उनको लालच दे दिया या मैं अपने आप उठ गए, क्या हुआ कुछ समझ नहीं आई। तो अब की बार वो किसान नेता इस आंदोलन में नहीं है? मैं इतना उनको जानता नहीं किसी को जी, कैसे मैं इतना वाली हूँ। अच्छा। किसमें है किसमें नहीं है। हाँ। मैं तो इनको ये बोलता हूँ सारे पूरे भारत के जितने भी संघर्षशील हैं, चाहे किसी का भी है, एक हो जाओ जो अपने अपना फायदा लेना है। हाँ। ठीक है, मैं तो ये। आपकी उम्र कितनी है और घर में कौन कौन है? आप अकेले यहाँ पर आके बैठे हैं कि आपके बच्चों ने नहीं कहा कि घर चलो यहाँ क्यों बैठे? मेरी उम्र 76 साल है, मेरे बच्चे अपना ठीक काम कर रहे हैं, मैं तो घर में बेला हूँ, मैं तो अपना सब ठीक है, बच्चे अपना काम चला रहे, मैं उनके काम में क्यों दाखिल दाजी दूं? सामने इतनी फोर्स है, आपको डर नहीं लगता कि कोई गोला या कोई चीज आपके आगे लगना चाहे? आपने आंखों पट्टी बांधी, आपको दिखाई भी नहीं पड़ रहा होगा? कोई डर नहीं है जी, कोई डर नहीं जो कोई डर नहीं। कब तक बैठे रहेंगे? क्या यहाँ से अभी शाम होने के बाद घर जाएंगे? जब मालिक का हुक्म होगा बैठे। और कल अगर किसान आंदोलन होता है, आज बैठक होने वाली है, आपको उम्मीद है कि कुछ बैठक में हल निकलेगा? और अगर नहीं निकलता तो कल जब मार्च होगा तो आप भी साथ रहेंगे? बिल्कुल जी, कहेंगे साथ रहेंगे, जिस तरह मालिक का हुक्म होगा। मैं कुछ नहीं कह सकता, जो मालिक करावेगा, मौके में पता नहीं क्या होना, रात में मेरा अभी क्या होना है, कहाँ गैस छोड़िए, कहाँ मर जाना, कोई पता किसी का जी? कोई पता नहीं। तो ये पट्टी अभी ऐसी बांधे रखेंगे, आप उतारेंगे नहीं? नहीं उतार देंगे जी इसको, तो मैं अभी बस देखना ही चाहता है, यहाँ कुछ नहीं, उतारेंगे, मैं ठीक है जी, मैं कोई बात। चलिए, तो ये आप सुन रहे थे, एक सरदार जी हैं, बुजुर्ग हैं और वो कह रहे हैं कि
ये जो दृश्य यहाँ पर बन रहा है वो उसको देखना नहीं चाहते और वही कारण है कि उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। अब कुछ देर पहले ही शंभू बॉर्डर पर ये जो घग्गर नदी के ऊपर यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ कुछ देर पहले आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, पुलिस ने मॉक ड्रिल की, तब भी ये बुजुर्ग यहीं बैठे थे और अभी भी ये बुजुर्ग यहीं बैठे हैं और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो दृश्य यहाँ उत्पन्न हो रहे हैं उसको वो देखना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली है। अब क्या ये बुजुर्ग यहां से उठते हैं, कल अगर किसानों का मार्च रहता है तो आगे इनके जैसे और बुजुर्ग यहां पर पहुंचते हैं और किस तरह से सरकार को झुकाने का प्रयत्न करते हैं, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसी टीवी, शंभू बॉर्डर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।